मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है। पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है। पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे। तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीशन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में ही इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं। पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली बार, पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में मां बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और यह हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय, जय हिंद।